नमस्कार दोस्तों, 10:24 हो रहा है समय, 1:32। एक IGL में ऑर्डर लिया है सेल साइड में, 335 के नीचे, 335 के पास मैंने शॉर्ट किया है, 3 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ और 6 रुपए के टारगेट के साथ। तो इसको मैं राउंड फिगर में कर दूंगा, यहाँ 330 पे टारगेट को ला के रखूंगा और वेट करेंगे कि क्या हमें टारगेट अचीव होता है या नहीं होता है, या हमारा स्टॉप लॉस कटता है। ठीक है ना, तो हम लोग आज वेट करते हैं दूसरा ऑर्डर। एक जैसा कि आपने देखा हो कि पहले मैंने उज्जीवन में लिया और ये मेरा दूसरा ऑर्डर है IGL का। तो चलिए हम लोग वेट करेंगे इसके लिए, इसमें क्या होता है हमें प्रॉफिट या लॉस। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 11:05। यहाँ पे मैंने IGL में क्वांटिटी बढ़ा लिया है और अभी हालांकि 170 का लॉस दिख रहा होगा आपको, तो 500 का टोटल क्वांटिटी हो गया। सारे क्वांटिटी मैंने ब्रैकेट ऑर्डर में लिया हुआ है, अलग अलग टारगेट और अलग अलग स्टॉप लॉस के साथ। तो हम लोग वेट करेंगे। एवरेज प्राइस मेरा हो गया 336.06। ठीक है, ये हुआ मेरा एवरेज बाइंग प्राइस, 500 क्वांटिटी मैंने लिया है। तो अभी देखते हैं क्या टारगेट इसमें हमें आता है। हम लोग वेट करेंगे। पहला टारगेट 332 के पास है, उसके बाद 330 के पास है, फिर हाँ 330 और 332, ये दो टारगेट के पास मैंने रखा हुआ है। तो देखते हैं हमारा टारगेट अचीव होता है या नहीं होता है। 335 को नीचे की तरफ अगर ये ब्रेक करेगा, 334.75 को, तो नीचे की तरफ काफी तेजी से जाएगा, नहीं तो फिर मेरा स्टॉप लॉस काटेगा। तो हम लोग वेट करते हैं, फिलहाल वेट करते हैं, रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। सारे स्टॉप लॉस को मैंने मॉडिफाई कर लिया इस पहली कैंडल के हाई के पास। पहली कैंडल के हाई के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर लिया है, सारे स्टॉप लॉस को। तो मेरा बाइंग प्राइस है 336.06 और स्टॉप लॉस 338.30, यानी 2 रुपए के आसपास का हमारा रिस्क है, यानी कि 1000 का रिस्क इसमें मैंने लिया है। 1000 का कम से कम 2000 रुपये आने चाहिए मुझे, 1:2 का रिस्क रिकॉर्ड होना चाहिए। तो हम लोग वेट करेंगे। समय हो रहा है 11:09:15। मैं अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। चलिए प्रॉफिट में आना शुरू हो गया, 130 का प्रॉफिट हो रहा है, 155 हो चुका है। कम से कम 2000 का टारगेट आना चाहिए, 1500 भी मिल जाए तो काफ़ी है, क्योंकि 1000 का रिस्क लिया हुआ है, तो 1500 टारगेट तो कम से कम मेरा बनता है, हक मेरा। तो वेट करेंगे हम लोग कि हमें यहाँ तक आने चाहिए। अभी 205 का प्रॉफिट चल रहा है, ये 334.75 को ब्रेक करेगा नीचे तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ आएगा, वरना फिर ये मेरा SL काटेगा। तो मैं दोनों के लिए मेंटली प्रिपेयर हूँ अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अभी मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 11:24:36। 380 का यहाँ प्रॉफिट चल रहा है, तो अभी वेट करते हैं। यही 335 रुपया 334.75 मान लेते हैं, 334.75 हेवी सपोर्ट है। इसको अगर ये ब्रेक करेगा तो मुझे मेरा टारगेट दे सकता है ये आराम से, 405 का प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। तो ये दूसरा ट्रेड है मेरा, पहला मेरा था उज्जीवन फाइनेंस जो आपने देखा, उसके मेरे निकलने के बाद उज्जीवन फाइनेंस ने सारे टारगेट अचीव कर दिए, तीनों के तीनों टारगेट, और उससे भी काफ़ी ऊपर गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरा दूसरा ट्रेड है। चलिए अभी के लिए रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 11:47:30। ब्रेक कर दिया इसने 334.70 को, अभी 680 का प्रॉफिट चल रहा है, 780 हो चुका है। इसके नीचे ये कमजोर हो जाएगा, इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए कैंडल, सस्टेन करके ऊपर नहीं जाए, बस इसके नीचे क्लोज हो जाए तो मजा आ जाए। 780 का प्रॉफिट में हूँ गना हुआ, तो अब 830 हो चुका है। तो अभी हम लोग वेट करते हैं। समय 11:47:55। ये मेरा दूसरा ट्रेड है, पहला ट्रेड मेरा उज्जीवन फाइनेंस में था जो आप लोगों ने देखा, प्रॉफिट बुक करके उससे निकला, और ये मेरा दूसरा ट्रेड है और अंतिम ट्रेड। तो चलिए वेट करते हैं फिलहाल हम लोग, है ना। बस इसके ऊपर ये क्लोज हो रहा है तो ये दिक्कत वाली बात है, इससे अच्छा मैं थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूंगा, सारे स्टॉप लॉस को अपना रिस्क को कम कर लेता हूँ। ब्रैकेट ऑर्डर में अलग अलग करके क्वांटिटी मिलती है, इसके वजह से जो है इतने सारे क्वांटिटी हो गए, एक एक क्वांटिटी भी मिलता है। तो हम लोग सारे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेता हूँ मैं, बिल्कुल स्विंग हाई पे रखा मैंने ले जाके स्टॉप लॉस को।
चलिए अभी हम लोग वेट करते हैं, देख रहे ना कितना अलग अलग क्वांटिटी मिला हुआ है मुझे। बस ये ऑरेंज लाइन जो मैंने लगा कर रखा है इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हो, बस। समय 11:50 हो रहा है, इसको इधर कर दो, 51 मिनट हो गया। चलिए स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया, सारा रिस्क हो गया मेरा कम, मैंने अपना रिस्क को यहाँ पे कम कर लिया। अब लगभग मेरा 1 रुपए का रिस्क पे मैं बैठा हुआ, ओनली 1 रुपए का, 336 रुपए का मेरा एवरेज प्राइस है, 336 60 पे स्टॉप लॉस है, 300 सॉरी 337.35 रुपया से लेकर 337.60 रुपये तक के बीच में स्टॉप लॉस है, यानी 1 से 1.5 रुपया का स्टॉप लॉस है मेरा। तो वेट करते हैं, अभी हम लोग रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 11:58:22, फाइनली ब्रेक कर चुका है, 905 के प्रॉफिट में आ गया, 1000 का प्रॉफिट चल रहा है मुझे, आप जैसा देख पा रहे हैं। कम से कम 1500 रुपये का प्रॉफिट तो लेके जाना चाहिए दोस्तों मुझे, तो मुझे ये लगता है 332 के टारगेट आराम से ये दे सकता है, सॉरी 334 का टारगेट पहला है, दूसरा है 332, तो हम लोग वेट करेंगे क्या मिलता है। चाहे तो मैं यहाँ से निकल भी सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि पहले भी उज्जीवन में मेरा प्रॉफिट बना हुआ है 900 रुपये के समथिंग, और अभी इसमें भी 900 के प्रॉफिट हो गया हमारा, तो आज का ट्रेड ऐसे भी कंप्लीट हो चुका है मेरा। 1130 का प्रॉफिट हुआ है, चलिए वेट करते हैं हम लोग। 1080 हो गया, लो बनाया इसने, 333.75 रुपये का लो बनाया है इस कैंडल ने, मुझे लग रहा है आना चाहिए इसको, धीरे धीरे नीचे आएगा, 332 के पास आएगा, 1155 का चल रहा है प्रॉफिट, 1305 हो चुका है, 1330, 1380, 1430, हम लोग वेट करते हैं। ये 1500 का टारगेट है, 1700 आ गया, जैसा मैंने कहा कम से कम 1500 तो होने चाहिए, 1700 मिल गए, तो मैं अब यहाँ से दोस्तों प्रॉफिट बुक करूंगा, 1500 का क्वांटिटी 1700 आ गया, 1700 में मैं कुछ क्वांटिटी को, सबको तो नहीं, कुछ क्वांटिटी को मैं जरूर प्रॉफिट बुक करूंगा। तो ये मैंने कर लिया प्रॉफिट, लगभग लगभग मेरा पहला टारगेट तो आ ही गया ना, 250 क्वांटिटी को मैं निकालना चाहूंगा। चल 250 क्वांटिटी का ये टारगेट ऐसे भी अचीव हो गया, लीजिए ये टारगेट तो ऐसे भी अचीव हो गया, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, है ना। हाँ टारगेट अचीव हो गया, तो मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। चलिए 1800 का प्रॉफिट ले चुका हूँ मैं, 1800 का प्रॉफिट, तो 1500 का जैसा कि कहा था, अब बाकी मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर लूंगा, इस कैंडल के हाई पे ले आऊंगा, बिल्कुल मैं इसी कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूंगा, 335.25 रुपये के पास मैंने स्टॉप लॉस को रख लेना है। 1500 का टारगेट था, अचीव हो चुका है, अरे यार हो ना मोटी भाई, कल साइक्लोन था थोड़ा आंधी पानी, इसके वजह से थोड़ी नॉइज प्रॉब्लम हो रही होगी आपको, या कल के वीडियो में हुई होगी, नेटवर्क भी सही काम नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ से ये बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रहा है ना, तो यहाँ पे मैं सारे स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर दे रहा हूँ जल्दी, 1500 का तो टारगेट बुक है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेते हैं। हम्म, 334.95 के आसपास मैंने स्टॉप लॉस ले आया, जैसा कि पता है इस मैं 70% क्वांटिटी बुक करता हूँ, तो ये 100 क्वांटिटी जो है ना ये वाला, इसको मैं यहीं पे बुक कर लूंगा, कितना चल रहा है, 333.10 चल रहा है ना, 333.15 पे मैं इसको ले जाके, 26 हो गया 15, इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। चलिए नहीं लिया, 300 स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर देता हूँ, 333.20,
फिर मैं मॉडिफाई करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे बुक करूंगा 333-45 के पास। टारगेट डन हो गया है आईजीएल में। चलिए ओके, तो 1900 का प्रॉफिट है इसमें मुझे इंद्रप्रस्थ में आईजीएल में। वेट करते हैं हम लोग, स्टॉप लॉस टेल कर लिया, अब मैं निश्चिंत हो गया, अब मुझे कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये 100 क्वांटिटी को मैंने और नीचे ले आया तो कोई और टेंशन अब है, मेरा जो टारगेट है वो 330 पर लगा हुआ है, ठीक है ना। पहला टारगेट अचीव हो गया आराम से 330 पे, मेरा दूसरा टारगेट फाइनल टारगेट लगा हुआ है, तो 330 अगर आएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो स्टॉप लॉस काटेगा। ये 100 क्वांटिटी का लग रहा है, मिल जाएगा अभी मुझे ना, 300 कितना पे रखा मैंने, 333-45 पे, अभी नहीं पहुंचा है 333-45, 333-40 हुआ है, 45 हो जाएगा, तो ये 100 क्वांटिटी का भी प्रॉफिट बुक हो गया। हाँ, 100 क्वांटिटी का भी प्रॉफिट बुक हो गया। अब जो रेस्ट 100 क्वांटिटी बचे हैं, 150 क्वांटिटी सॉरी लगभग लगभग, तो उसका यहाँ पे टारगेट सेट है और स्टॉप लॉस भी टेल है। तो दोस्तों यही था मेरा आज का ओवरऑल ट्रेड, समझ लीजिए उज्जीवन में प्रॉफिट लिया 900 और इसमें 1500 का प्रॉफिट। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।